बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अलग सी हटकर रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग खाए होंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाला है मैंने राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फली यानी कि सेंग दाना, चना दाल, इन सभी चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया है। अभी हम इसमें हल्दी डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से आएगा नमक। अभी इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। भून लेने के बाद हमारे पास जो बचा हुआ रात का चावल होता है या दोपहर का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो इसे आप इस्तेमाल कीजिए और इसे एकदम मस्त बेहतरीन तरीके से बनाकर एंजॉय कीजिए। जैसे हम लोग पोहा बनाते हैं, सिर्फ वैसे ही टेस्ट आएगा, पोहा की जगह राइस, ठीक है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। देखो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और लास्ट में हम इसको एंजॉय करेंगे लेमन के साथ। अगर आप लेमन नहीं खा रहे हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमने सूखा लाल मिर्च डाला है ना, उससे ही हमें तीखे का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही मस्त बना था ये, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरी रेसिपी ट्राई करिए। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दो हमारे तीन ब्लॉग्स, इंशाल्लाह मैं मज़ीद रेसिपीज लेकर आऊँगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए चलो अल्लाह हाफिज़।